समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के करक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने आपसी मनोरंजन के लिए आपस में ही नाच प्रोग्राम किया था। सभी नाचने वाले करक गांव के ही रहने वाले हैं। सभी बाहर में नाच मंदिर चलाते थे। वायरल वीडियो का खुलासा। सब बैठे के सब बोलना रहा है, सब बैठ के सब प्रोग्राम करते हैं। हम लोग प्रोग्राम करें तो बाहर से कोई नहीं आया, सब अपना अपने सब थे। हम लोग कोई लेडीज नहीं है, नहीं कोई लेडीज आया था। बस हम लेडीज का काम करते थे, कपड़ा पहन के कलाकार हैं, कलाकारी करते हैं। सीतापुर जिला इटौरी में प्रोग्राम करते रहिए, वहाँ डॉन लॉक हो गए। हम लोग बहुत आशा देख लिए। 12-13 तारीख के प्रशासन हम लोग के यहाँ करक तेसरी घर भेज देंगे, उसमें सब क्वारंटीन वाला कलाकार रहिए, नाचित गावित रहिए, सब कल के प्रोग्राम हो दिले। प्रोग्राम होले ओमे कोई लेडीज नहीं रहले, हम सब जेंसे छे, लेडीज कपड़ा पहन के प्रोग्राम के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं ले गए। वहीं अपर समाहर्ता ने खुलासा किया कि सभी नाचने वाले क्वारंटाइन सेंटर में ही रह रहे हैं। लाइवलीहुड के लिए ये करते हैं और इसमें उसी उन्हीं कैंप इक्विपमेंट्स के द्वारा ये डांसिंग का ये किया गया था, जिसमें कि बाहर से कोई नहीं लाया था और नो फीमेल महिलाएं नहीं थी। ये रामलीला मंडली के पुरुष हैं जो महिला के कपड़ों में थे और जो कैंप सुपरवाइजर है उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया है और भविष्य के लिए उसको बताया गया है कि इस तरह का कोई भी किसी की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, ये नहीं किया गया। नहीं, वो अभी मेरे पास में नहीं है सर। नहीं, जो सी ओ साहब और डी एस पी साहब का रिपोर्ट जांच आया है उसमें यही बात है। और बाकी सभी जगहों पर ये जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है इसके जागरूक के साथ में कि कोई भी इस तरह का एक्टिविटी जिसमें कि जो लाइक नहीं और जिसमें सोशल मीडिया का सहारा नहीं होता है, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। और टीवी और प्रोजेक्टर का जो मनोरंजन किया गया है और उसके साथ साथ जो आवश्यक व्यवस्था सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में की गई है, वही व्यवस्था।